सिंध असेंबली में सूबाई आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। असेंबली में अरकान ने खड़े होकर राय शुमारी में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने करारदाद पेश करने की मुखालफत की। MQM पीपल्स पार्टी और PTI ने करारदाद पेश करने की हिमायत में वोट दिया। करारदाद वजीर पार्लिमानी उमूर और दाखिला जियाल हसन लंजार ने पेश की। बानी PTI की 6 और बुशा बीबी की 1 दरख्वास्त जमात पर फैसला महफूज। दौरान समात बुशा बीबी नाइंसाफियों का जिक्र करते हुए रोस्टम पर आपदीदा हो गई। बोली कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जेल जाने को तैयार हूँ। शिकायत की बुकला वक्त जाया करते हैं, क्या अंदर बैठा शख्स इंसान नहीं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने कहा, थोड़ी देर में जमानतों पर फैसला कर दूंगा। सारे मुकदमात आईनी बेंच में ना ले जाए, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई नॉर्दर्न गैस ओवर बिलिंग केस की समाप्त में रिमार्क्स। वकील ने कहा, नजरसानी दरख्वास्त जेर इल्तवा है, अब केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। मेलबर्न में पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे, 204 रन के हदफ के ताकुब में कैंगरूज की 2 विकेटें गिर गईं। कौमी टीम पहले खेलकर 203 रन पर ढेर। रिजवान 44 और नसीम शाह 40 रन बनाकर नुमाया, स्टॉक के 3 शिकार। सेनेट और कौमी असेंबली के अहम इजलास आज होंगे। अहम कानून साजी मुतवक्के, कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। इस्तेदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास शाम 4 बजे होगा। हज पॉलिसी समेत 16 निकाती एजेंडा जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा PDM हुकूमत के दौरान हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, PTI के गुज़िश्ता दौर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी, अब हमारी फोर्सेस एक बार फिर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। मरियम नवाज की तबीयत की खराबी के सवाल पर कहा, मैं मरियम को फॉलो नहीं करता। समाजी माशी नफसियाती दबाव या नाइंसाफियां, मुल्क में तलाक की शरह में 35% इजाफा हो गया है। इस वक्त तादाद 5 लाख के करीब। नफसियाती माहिरीन कहते हैं, खुला और तलाक के केसेस में इजाफा खानदानी निजाम की कमजोरी जाहिर करता है। खानदान के बड़े सालसी का किरदार अदा करें, मियां बीवी मामला फहमी से काम लें तो रिश्तों में दरारें खत्म हो सकती हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बसात से महरूम वी लॉकर मोहम्मद अली के लिए गाड़ी का तोहफा। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी, खुद दरवाजा खोलकर सीट पर भी बिठा दिया।